1046 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही प्रबुद्ध जनों के साथ इस संवाद का कार्यक्रम हो रहा है। प्रभु श्री राम के इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं पूरे अयोध्या वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या हमारी 7 पावन पुरियों में से प्रथम पुरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसलिए दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को बनाना, इस उद्देश्य से आज प्रातः काल से मैं, मेरे सहयोगी मंत्री, जनप्रतिनिधि और 12 विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण सुबह से ही इन सब कार्यों को लेकर के अयोध्या में बैठ करके विभिन्न योजनाओं का मौका मुआयना कर रहे हैं, विभिन्न स्थलों पर जाकर के कार्य की प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं और उन कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कैसे अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जाए, इस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अकेले अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा वर्तमान में स्वीकृत की गई है। एक नए अयोध्या के रूप में स्थापित करने, जनता की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने, और अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारी अयोध्या भी पीछे नहीं रहेगी। हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो आगे बढ़ेंगे ही, भौतिक विकास के भी नित नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। इस उद्देश्य से आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य महोत्सव का पूरे देश को संबोधित किया था। देश का हर नागरिक के घर में 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा फहराने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, 15 अगस्त 1947 में जब यह देश आजाद हुआ था, तब हमारे घरों में तिरंगा फहराया गया कि नहीं फहराया गया हमें नहीं मालूम। वह जश्न कैसा था हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जब देश अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा हो, उन स्थितियों में भारत की 135 करोड़ भारत के इस उत्सव के साथ जुड़ी हुई थी, हर घर तिरंगा के माध्यम से साबित हो चुका है। वैश्विक मंच पर आप देख रहे होंगे, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और भाइयों बहनों, दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका 80% संसाधनों पर अधिकार है, उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व अगले एक वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। दुनिया में शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, लोक कल्याण के लिए क्या कुछ करना है, इन सब की कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तय होनी है। और इसलिए आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में आगामी 25 वर्ष की इस व्यापक कार्य योजना को लेकर के कि 2047 में कैसा भारत हमें चाहिए और कैसे भारत की जो हम बात करते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश चाहिए और कैसी हमारी अयोध्या होगी, इस बात को लेकर के आज मैं आपके अयोध्या वासियों के पास आया हूं। यहां पे हमारे प्रबुद्ध जन हैं, अधिवक्ता हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं,
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण महानुभाव हैं, उन सबको मैंने इसीलिए आज आमंत्रित किया है। आपने कल देखा होगा 26 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस के आयोजन के साथ जुड़े थे, और पहली बार हुआ है जब भारत के नागरिकों को इस बात का एहसास कराया कि भारत हमारा देश है और इसके प्रति केवल हमारे अधिकार ही नहीं बल्कि कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का अगर निर्वहन करने लग जाएगा तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। हमेशा जब व्यक्ति स्वयं अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करके दूसरों को पाठ पढ़ाने लगता है वहीं से विवाद की शुरुआत होती है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आज आया हूं, विकास के लिए अयोध्या में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, कोई पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। डबल इंजन की सरकार हमेशा अयोध्या की सेवा में है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दीपोत्सव के मुख्य महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन एक नए अयोध्या की आहट को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है कि हमें कैसी अयोध्या चाहिए और कैसा उत्तर प्रदेश चाहिए। दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का आगमन अयोध्या के प्रति उनकी सता निष्ठा को प्रदर्शित करता है, जो उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए किए गए दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, नहीं तो अयोध्या जब हम आते थे यहाँ के संतजन एक ही बात को कहते थे योगी जी एक बात बताओ और अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण कराओ, यानी एक ही प्रश्न हमारे सामने उठता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज इस प्रश्न का भी उत्तर प्रदेश ने दे दिया है, देश ने दे दिया है। अब बारी आप सबकी है। आज आप देख रहे होंगे विकास के कार्य कैसे कैसे हो रहे हैं। कोई सोचता था स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में? स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, अच्छी सड़कों बनाने का कार्य, लटकते हुए झूलते हुए तारों से निजात दिलाने के लिए आईपी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था के साथ ऑटोमेटिक ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन हो रहा है और साथ साथ एक सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है, स्मार्ट रोड का निर्माण हो रहा है, अच्छे बस स्टेशन बन रहे हैं, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, मंडी का निर्माण हो रहा है, कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं, बस स्टेशन बन रहे हैं, जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए तमाम प्रकार की कार्रवाई। याद करिए 2017 के पहले अयोध्या में बिजली ही नहीं आती थी और आज बिजली है कि जाती नहीं है अयोध्या से, यही तो अंतर है। पिछली सरकारें अंधकार में रहने के अभ्यस्त थी इसलिए बिजली नहीं देती थी और हमारी सरकार अयोध्या को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है। 2017 के पहले स्ट्रीट लाइट बेतरतीब थी, कोई पीली लाइट जलती थी कोई नहीं जलती थी, जब लाइट ही नहीं रहती तो जलेगी कैसे। आज एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरी अयोध्या जगमगा रही है। अयोध्या को नगर निगम बनाने का काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है। अयोध्या को एक जैसी फसा लाइटिंग के साथ जोड़ने की कार्रवाई हुई है और अयोध्या के राम जी की पेड़ी 2017 के पहले जो पानी एक बार सरयू जी से आ गया वहीं सड़ता रहता था, आज आप देखते होंगे एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। कोई भी जाए ऐसे एहसास होता है राम जी की पेड़ी में स्नान करने का जैसे हरिद्वार के हर जी की पेड़ी में कोई स्नान कर रहा हो, गंगा जी में हर जी की पेड़ी हरिद्वार में स्नान कर रहा हो। ये नई अयोध्या की तस्वीर है। नया अयोध्या न केवल विकास की दिशा बल्कि निवेश की दिशा भी एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। और भाइयों बहनों, आज यहां पर आए हुए उद्यमियों से, व्यापारियों से, चिकित्सकों से,
हम आज जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए महानुभावों से मैं एक अपील करूंगा, आपके द्वारा बनाया जाने वाला एक विद्यालय, एक चिकित्सालय, एक उद्योग या किसी भी क्षेत्र में किया जाने वाला जो कार्य है, वह कार्य हमारे लिए एक निवेश है और आपके इस निवेश को सुरक्षित रखना और सुरक्षित माहौल देना यह हमारा दायित्व है। सरकार इसके लिए हर प्रकार की सुविधा आपको देने के लिए तत्पर है। अयोध्या के विकास के कार्य के लिए अब तक जो सहयोग अयोध्या वासियों ने दिया है वह अभिनंदनीय है। हर मार्ग 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 6 लेन से 8 लेन बनाने की कार्रवाई हो रही है। हो सकता है कि मार्ग निर्माण के समय कुछ व्यापारियों को हटना पड़े, लेकिन मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं, हर व्यापारी का पुनर्वास भी करेंगे और उसको कंपनसेशन भी दिलाएंगे। कोई उनके साथ शोषण नहीं कर पाएगा, कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाइयों बहनों, जो ये पुनर्वास का कार्य होगा, हो सकता है 1 महीना 2 महीना 4 महीना लगेगा, लेकिन आप देखना ये 4 महीने का विश्राम आपको जब एक सुरक्षित पुनर्वास की सुविधा से जोड़ेगा, आपका बिजनेस कई गुना बढ़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में अयोध्या के अंदर जिस रूप में यात्रियों की संख्या बढ़ने जा रही है, पर्यटकों की संख्या बढ़ने जा रही है, वह एक नए अयोध्या के रूप में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने, व्यापारी और उद्यमियों को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि नगरीय क्षेत्रों में भी गरीबों को आवास मिलेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। अकेले शहरी क्षेत्र में 17 लाख लोगों को फ्री में आवास दिया गया है और अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो हमारे पास 8,62,000 नए आवास आ चुके हैं। 1 लाख आवास हम मुख्यमंत्री आवास योजना से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। गरीब के लिए आवास की कमी नहीं, हजारों आवास हमने आपके अयोध्या में भी यहाँ के उन जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए हैं जिनके सर्टिफिकेट अभी वितरित हुए हैं। पहली बार आपने देखा होगा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत और गरीब के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, पटरी व्यवसायी के लिए ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और ब्याज फ्री लोन के माध्यम से उसे व्यवसाय की सुगमता का रास्ता दिखाने का प्रयास हो रहा है। तकनीक के माध्यम से आज निवेश करना आसान है, सिंगल विंडो सिस्टम हमने लागू किया है। एक बार आवेदन किया, 340 से अधिक सेवाएं आपको अपने आप सिंगल विंडो के माध्यम से मिलती हुई दिखाई देंगी। एमएसएमई में निवेश करने के लिए 1,000 दिनों तक आपको कहीं भी किसी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपकी प्रक्रिया पूरी कब होती रहेगी, आपने आवेदन कर लिया, अपना निवेश कर लिया, अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दीजिए। भाइयों बहनों, और इससे भी बढ़कर के 2017 के पहले व्यापारी पलायन कर रहा था, पुलिस भागती थी अपराधियों से और अपराधी धमाके के साथ कहीं जाकर कहीं विस्फोट करता था, कहीं लूट करता था, कहीं अराजकता फैलाता था, कहीं गुंडागर्दी करता था, कहीं फिरौती मांगता था, कहीं गुंडा टैक्स लेता था। और आज आप देख रहे होंगे अपराधी गायब हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने तो अपना वेशभूषा भी बदल दिया है, जो पहले दादा बन करके घूम